हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसी तरह आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए। गाइस, यहाँ पर आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर टू मैसेज आपको क्या देना चाह रहे हैं, यानी दो ऐसे जो संदेश हैं, प्यार भरी बातें हैं आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो मैं आपसे बताऊँगी कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऑरेंज रंग का कलर है, एक ब्लैक रंग का कलर है और एक ग्रीन रंग का कलर है, एक पिंक रंग का कलर है, एक येलो रंग का कलर है। जो आपको एक या दो फाइल अच्छा लगता है वो चुन सकते हैं और अपने लिए रीडिंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यहाँ पर रीडिंग शुरू होने जाने वाली है गाइस। देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, जिन्होंने ऑरेंज रंग का फाइल चुना था फर्स्ट फाइल। यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनके रुचि का ध्यान रखें, यानी एक दूसरे की जो रुचि है, स्वभाव है, जो पसंद है, उस पसंद का ध्यान रखें। मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी देख रहे हैं, यानी अपने पार्टनर के पसंद का ध्यान रखें। उनको जो पसंद है वो करिए, आपको जो पसंद है वो भी उनको पसंद आएगा, वो भी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने पार्टनर के लिए करेंगे तो बहुत उनको खुशी मिलेगी जब आप उनके रुचि का, पसंद का ध्यान रखेंगे और उनके पसंद का काम करेंगे तो उनको और भी दिल से आपके ऊपर प्यार उमड़ेगा, प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और ये उनको मन में फील होगा कि मेरे पार्टनर ने, मेरे लवर ने मेरी रुचि का ध्यान रखा, मेरे पसंद का ध्यान रखा और वो काम करते हैं जो मुझे बेहद पसंद है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, वो मेरे पसंद का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे दूसरा मैसेज ये है, यू आर कंप्लीट मी, तुम मुझे पूर्ण करती हो, तुम मुझे संपूर्ण बनाती हो। यानी बहुत बड़ी बात आपके पार्टनर आपके लिए बोल रहे हैं गाइस, फर्स्ट ऑप्शन कि यू कंप्लीट मी, यानी आप मुझे संपूर्ण बनाते हो। मैं पहले बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत ज़्यादा अकेला फील करता था, मैं बहुत ज़्यादा अकेले रहता था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मुझे कंप्लीट बना दिया है, मुझे संपूर्ण बना दिया है। जिन्होंने सेकंड ब्लैक रंग का सेकंड फाइल चुना था गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं गाइस कि हमारे तुम्हारे बीच में ना कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, निराधार बातें, यानी भ्रम वाली बातें हो गई हैं, या एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं निराधार, बेवजह आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, निराधार बातों से आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि फालतू के बातों को, निराधार बातों को, भ्रम से हम दोनों को बचना है, तभी हमारा जो रिलेशन है वो मजबूत होगा, मेरा लव लाइफ जो है वो आगे चलेगा। क्योंकि अगर हम निराधार बातों को लेकर चलेंगे तो हम दोनों के बीच लड़ाई होने वाला है, झगड़ा ही होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे आपके दोनों पार्टनर की बातें ये हो रही हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको निराधार विचारों से बचें, उससे दूर रहें, तभी हम लोग की लव लाइफ अच्छी रहेगी। यहाँ पे लिखा गया है, ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल फीलिंग इन लव। यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो फीलिंग है, लव वाला फीलिंग है, लव वाला एहसास है, उसको लोग क्या जानेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं ग्रेविटी मतलब अपनी तरफ खींचना, यानी हम लोग के प्यार को, फीलिंग को कोई दूसरा नहीं समझेगा, बल्कि हम एक दूसरे की पसंद नापसंद फीलिंग को खुद समझेंगे। क्योंकि जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो प्यार में हम एक दूसरे से खींचे चले आते हैं, एक दूसरे के साथ हम पास चले आते हैं, किसके कारण, लव फीलिंग के कारण। और ये जो आपका रिश्ता है प्यार वाला, स्नेह भरा, वो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के
दूसरे के मन में ये भावना चल रही है, ये भावना संदेश आपको मिल रहा है कि हमें दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। हम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से सहयोग से प्यार से रह रहे हैं वो मायने रखता है। तो हम दोनों को निराधार विचारों से बचना है। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन ग्रीन रंग का चुना था गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टनर को महत्व दो, इम्पोर्टेंस दो। तुम्हारी लाइफ में जो मैं हूँ वो बहुत ही सौभाग्य वाली बात है, या तुम मेरे लाइफ में हो तो वो बहुत लक की बात है। यानी एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझो, यानी मेरी इम्पोर्टेंस तुम समझो और तुम्हारी इम्पोर्टेंस मैं समझूँगा। यानी एक दूसरे को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट समझो, एक दूसरे के लिए बहुत ही लकी समझो, और हम लोग के बीच जो भी बातें हैं उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। मान लो हमारे में अच्छाइयाँ हैं तो उसको भी कबूल करो, अगर बुराइयाँ हैं उसको भी कबूल करो। इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है गाइस, यानी गुण को भी अपनाओ अवगुण को भी अपनाओ, तभी जाके आपका रिलेशन जो है स्ट्रांग बनेगा। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना ही लव लाइफ है, जीवन है। ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे लिखा है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी सोल हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी धड़कन हो, मैं तुमसे इसी तरह जिंदगी भर प्यार करता रहूँगा। बहुत ही लविंग मैसेज है गाइस, थर्ड फाइल आपके लिए बहुत ही प्यारा प्यारा मैसेज है, दिल को छू लेने वाला मैसेज है, देख सकते हैं आप। जिन्होंने पिंक रंग का फोर्थ ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस, आपके पार्टनर ये बता रहे हैं, दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ऐसा है गाइस जो कि आपसे बहुत ज़्यादा चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है आपको, आपको पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीटिंग बातें चल रही हैं। दोनों नहीं, कोई एक पार्टनर ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर धोखा दे रहे हैं या कुछ आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है, आप पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है प्यार है, प्यार में कमी नहीं है। इसमें दिया गया यू आर, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा पास रहेंगे, है प्यार है। लेकिन कोई एक देख रहे हैं आप, कार्ड से ही देख लीजिए आप दोनों के बीच कितना प्यार है। लेकिन ये है कि दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो अपने पार्टनर को, लवर को धोखा दे रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि कहीं वो फंसे हुए हैं, हो सकता है परिवार से भी बंधे हो सकता है परिवार का बंधन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई दूसरा या तीसरा लवर हो या दोस्त हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस सिचुएशन में, फोर्थ फाइल। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपके पर्सन एडवाइस दे रहे हैं कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कि धोखा मत दो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, फॉर एवर एंड एवर, यानी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम धोखा मत दो, धोखा देने से बचो। यहाँ पे आया देखिए फिफ्थ फाइल, जो जिन्होंने येलो रंग का चुना था गाइस, देखते हैं। यहाँ पे एक दूसरे की बात को समझना है, ये फिफ्थ फाइल के लिए निकल कर आया है कि चाहे आँखों की बात समझिए, चाहे दिल की बात समझिए, चाहे आप एक दूसरे को इशारों में बात को समझने की कोशिश करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे की बात को हमें समझना चाहिए, जो तुम बोल रही हो वो हमें समझना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम समझोगी, तो हम लोग का
हमें दिल से एक दूसरे को समझना होगा, यानी समझने का मतलब ये कि अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए दोनों के बीच में गाइज। इस अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए? भावनाओं की, समझने की कि हाँ अभी मेरा हस्बैंड काम कर रहा है या मेरी प्रेमिका काम कर रही, उनको छोड़ दो, हम बाद में बात कर लेंगे, जो करना है बाद में कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। एक दूसरे को समझना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आई है, वही आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये भी बात है कि समझने मतलब हर एक बात को समझना, उनकी पसंद नापसंद क्या पसंद है वो भी समझिए, नापसंद वो भी समझिए, एक उनको किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम उनको उठना है या किस टाइम जाना है, हर एक आवश्यकताओं को समझना होगा आपको और उनको दोनों को। तभी तो यहाँ पे दिया गया है मी यू यानी प्लस भी है और माइनस भी है। अगर आप उनके साथ हैं तो हार्ड है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो वो बहुत ही दुखी हैं, सैड हैं, बहुत ही तन्हा है। यही मैसेज आपके लिए निकल कर आया है गाइज। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है, हस्तरेखा दिखाना है, तो आप मेरे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।